स्टूडेंट्स, आज CBSE ने जो केमिस्ट्री 12th का सिलेबस जो कम किया है, रिड्यूस किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जो क्योंकि काफ़ी क्लासेस मिस हो गई हैं, बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो इसको देखते हुए CBSE ने कुछ टॉपिक्स करीब 30% कोर्स रिड्यूस किया है। तो उसमें उन्होंने हर चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हटाए हैं या रिड्यूस किए हैं, वो उनको मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनके ऊपर अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब हम इनके अलावा और जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मेनली फोकस करेंगे। जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर मैक्सिमम हम अपना एफर्ट्स उन टॉपिक्स पर रखेंगे। ये वाले टॉपिक्स जो CBSE ने रिड्यूस कर दिया है पोर्शन, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सॉलिड स्टेट है, फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट जो है उसके अंदर इन्होंने क्या 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 बताया, रिड्यूस पोर्शन क्या क्या है। एक तो ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, एक तो ये कम कर दिया है। ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स की बैंड थ्योरी है उसको कम कर दिया है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, इसको भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, फिर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, ये भी हटा दिया है, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनके बारे में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इनके ऊपर ये रिड्यूस कर दिया, एंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स को भी हटा दिया। मतलब इसके बारे में जो टॉपिक डिस्कस किया गया था, बैंड थ्योरी और ये सब चीज़ें, उसको रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन एंड पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके बारे में भी हमें स्टडी डिटेल में कुछ नहीं करनी। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस के अंदर इन्होंने क्या रिड्यूस किया है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस हैं उनमें वेंटॉफ फैक्टर भी लगता है, तो वेंटॉफ फैक्टर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, वेंटॉफ फैक्टर वाले जो चीज़ें हैं वो अब हट गई है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर चैप्टर 3 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या कम कर दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी एक्यूमुलेटर है ना, वो नहीं है एक्यूमुलेटर। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये CBSE के जो गाइड जो आए हैं ये वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो, CBSE का जो एकेडमिक वाला करिकुलम है उसमें आप देख सकते हो। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, लेड एसिड एक्यूमुलेटर नहीं है, फ्यूल सेल्स नहीं है। ठीक है, कोरोजन, कोरोजन के ऊपर जो है वो हट गया। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फराडेस के जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं उसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, मतलब है इसमें एलिमेंट्री आइडिया रहे, एलिमेंट्री आइडिया जो है, और ड्राई सेल, लैक्लान सेल जिसको हम कहते हैं, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, चैप्टर फोर्थ में, फोर्थ चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या कम कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आपको समझाना आसान रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स को एक बार ऊपर कर देते हैं इसको। चैप्टर फोर है जो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें क्या क्या कम किया है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में कम किया है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, जो कोलिजन थ्योरी है इसकी जो है इसमें लिखा है इन्होंने कि एलिमेंट्री आइडिया, केवल एलिमेंट्री आइडिया रहेगी, एलिमेंट्री आइडिया एंड नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, खाली एलिमेंट्री आइडियाज़ रहेंगे और मैथमेटिकल जो उस पर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होंगे, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एंड फिर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन,
ठीक है, रेनियस इक्वेशन जो है उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, वो आ गया। फिर फिफ्थ में आ जाते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में, चैप्टर फिफ्थ जो है सरफेस केमिस्ट्री का है। इसके अंदर क्या क्या कम कर दिया इन्होंने, इसके अंदर एक तो इमल्शन, ठीक है, इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शंस, फिर कैटालिसिस हट गया, कैटालिसिस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस दोनों इन्होंने लिखा भी है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हट गया है। फिर एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट है ना ये, और एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, ये सब टॉपिक्स फिफ्थ चैप्टर में से हटा दिए, ठीक है, हटाता इसको मिटा के फिर ऊपर लिखता हूँ फिर से, ठीक है। अब चैप्टर फिफ्थ तक मैंने बता दिया, अब चैप्टर सिक्स तो बिल्कुल ही हटा दिया है, एंटायर चैप्टर सिक्स जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये तो पूरा एंटायर यूनिट हटा दिया है, एंटायर यूनिट, ठीक है, पूरा ही नहीं है, पूरा ही सिक्स चैप्टर हटा ही दिया गया, बिल्कुल चैप्टर जो हटा दिए गए हैं बिल्कुल टोटल है, उसके अंदर एक तो 15 चैप्टर है और 16th है, ये 15 चैप्टर जो है वो पॉलीमर्स है, ठीक है, और 16th है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों चैप्टर तो पूरे हटा दिए, ठीक है, सिक्स चैप्टर, 15 चैप्टर और 16 चैप्टर, ये तो पूरे एंटायर यूनिट हटा दिया गया है, एंटायर चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको सिक्स तक बता दिया, अब सिक्स के बाद सेवन्थ और उसको भी बता देता हूँ, औरों में क्या क्या हटाया गया है, ये तो सिक्स पूरा हट गया, अब सेवन्थ के अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या हटाया गया है, इसमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ PS3 फॉस्फीन, ठीक है, इसको फॉस्फीन कहते हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटा दिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन स्ट्रक्चर ओनली यही, ठीक है। फिर फॉस्फोरस में क्या क्या हटाया है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फॉस्फोरस के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उनको हटा दिया है, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया रहेगा, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, ठीक है, ओके। फिर एट चैप्टर जो है डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें क्या क्या करा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या हटा दिया है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये हटा दिया गया, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद
कंपैरिजन जो है लैंथेनाइड का एक्टिनाइड्स के साथ, कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, ये भी हटा दिया गया, देख रहे हैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज इनके KMnO4 एंड K2Cr2O7 के, ये भी हटा दिए गए, ठीक है। इसको हटा के फिर मैं आगे समझाता हूँ और मिटाता हूँ इसको, ठीक है। अब मैंने 8 चैप्टर तक बता दिया, 9 चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या कम किया गया है, उसमें स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरेज, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म ये कम कर दिया गया, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके ऊपर एप्लीकेशंस वगैरह जो इसके होते थे वो हट गया, ठीक है। किसमें किसमें, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो इसका यूज़ करते थे हम, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इसका यूज़ है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये इन ये चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। ये 9th चैप्टर में हो गया। अब जो 10th चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसमें क्या किया है, इसमें जो हटाया गया है वो यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स जो थे इनके, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कुछ कंपाउंड्स जैसे हैं डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म का भी हटा दिया, इनके यूजेस और इनके साइड इफेक्ट्स जो होते थे, आयोडोफॉर्म का भी हटा दिया, ठीक है। फ्रियोन, डीडीटी, इनका भी हटा दिया, फ्रियोन्स, डीडीटी वगैरह, इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह थे वो हटा दिया गया और यूजेस भी हटा दिए गए, ठीक है। तो ये इसको फिर से मिटाता हूँ 9th-10th तक, फिर आगे का बताता हूँ। स्टूडेंट्स, 10th चैप्टर तक मैंने बता दिया, 11th चैप्टर जो आपका है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स वाला, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला, इसके अंदर क्या क्या कम किया है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मीथानॉल एंड ईथानॉल, ठीक है। इनके यूजेस जो है ख़ास तौर से मीथानॉल और ईथानॉल के नहीं, इसको याद नहीं करना है। 12th चैप्टर जो है इसके अंदर कुछ भी कम नहीं किया है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर कुछ भी कम नहीं किया है, कुछ भी आपको पूरा ही करना है, फुल करना है, पूरा ही करना है, नथिंग हैज़ बिन रिड्यूस्ड, ठीक है। 12th चैप्टर में कुछ भी कम नहीं किया। फिर 13th चैप्टर जो है अमीन्स के अंदर, इसमें लिख देता हूँ मैं, नथिंग रिड्यूस्ड। अब इसमें अमीन्स में डायजोनियम सॉल्ट्स, उनका प्रिपरेशन हटाया है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस भी हटा दिए, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके ऊपर जो कुछ है ये सब चीज़ें हटा दी गई, रिड्यूस कर दिया गया ये, ठीक है। तो आपको 13 तक ये हो गया, और इसमें इसको हटा के फिर 14th का भी और बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ओके स्टूडेंट। तो मैंने आपको 13 तक बता दिया, 14th जो चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या हटाया गया है, इसमें से ओलिगोसैकेराइड्स हटा दिया गया, ठीक है,
उनमें कौन कौन है, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज, माल्टोज, ये हटा दिए गए, ठीक है। फिर पॉलीसेक्राइड्स में क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, इसमें स्टार्च हटा दिया, सेल्यूलोज हटा दिया, ठीक है, और ग्लाइकोजन भी हटा दिया। फिर आपका आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हटा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर विटामिन्स, विटामिन्स में क्या क्या रिमूव करा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हटा दिया है, एंड फंक्शंस, विटामिन्स के क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। एंजाइम्स, एंजाइम्स में क्या किया है, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया रह गया बस, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब है रिड्यूस कर दी गई हैं, तो ये आपको याद रहे तो अच्छा है। इसमें आपको जब ये चीज़ें मालूम हो गई तो आप इन इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं और टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और मैंने 15th और 16th चैप्टर बताया ही है कि पूरा पूरा हटा दिया गया है, 15th चैप्टर 16th, तो कौन कौन से चैप्टर पूरे पूरे हटा गए हैं, 6th चैप्टर, 15th चैप्टर, 16th चैप्टर, ये पूरे पूरे हटा दिए गए हैं। और जो आपका चैप्टर 13 है, ठीक है ना, चैप्टर 13 जो है वो एज इट इज़ पूरा पूरा है, क्लियर है जी। चैप्टर 13 जो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स है, सॉरी 12, चैप्टर 12 जो है एल्डिहाइड कीटोन्स, वो पूरा पूरा है, उसके अंदर कुछ नहीं हटाया है एल्डिहाइड कीटोन्स में, पूरा यूनिट एज इट इज़ है। और ये 6th, 15th एंड 16th ये पूरे पूरे यूनिट हटाई दिए, पूरे पूरे चैप्टर, तीन चैप्टर तो पूरे पूरे हटाई दिए, ओके जी। तो ये आपका 12th का हो गया, मैं दूसरी वीडियो में आपको 11th का बताता हूँ, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको सारे सारे चैप्टर्स के बारे में बता दिया, फर्स्ट से लेकर 16 तक, कि किसमें क्या क्या कम हुआ है, ठीक है। पर्पज़ इसका ये है कि आपको जब मालूम होगा क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इंक्लूडेड हैं कोर्स के अंदर, तो उनको छोड़ के और चीज़ों पे आप अपना फोकस लगाइए, उस पर कंसंट्रेट करिए। इन टॉपिक्स को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा CBSE की साइट से, और उसमें आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको ऊपर अच्छी सी तैयारी करिए, ठीक है। इसको यहीं तक रखता हूँ, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, थैंक यू।